हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा। हम पढ़ रहे हैं MA फाइनल का पेपर सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र में हमने जो अध्ययन किया है उसमें हमने पढ़ा प्लेटो, एरिस्टोटल, हीगेल, कांट, क्रॉचे, ट्रायड, रोजर फ्राई, कर्लिंगवुड, और आज हम पढ़ेंगे वर्नन ली। वर्नन ली जो है उन्होंने अपनी पुस्तक द ब्यूटीफुल के अंदर अपने सौंदर्य संबंधी विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वस्तुएं जो हैं वो सुंदर नहीं हैं, अपितु उनके विभिन्न स्वरूप जो हैं वो सुंदर है। यानी कि वर्नन ली ने वस्तु को सुंदर न मानकर उसके विभिन्न स्वरूपों को सुंदर माना। उनके अनुसार वह वस्तु सुंदर होती है जिसके विभिन्न स्वरूपों के मनन से संतोष प्राप्त होता है। यहाँ स्वरूप से तात्पर्य संवेदनाओं से है, जो हमारे सक्रिय स्मरणशील और दूरदर्शी निरीक्षण से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेती है। वर्णन ली के अनुसार स्वरूप तभी सुंदर कहे जा सकते हैं जब हम उनमें अपनी क्रियाएं प्रक्षेपित कर लेते हैं। इस प्रकार प्रक्षेपण से एक ऐसे आनंद का उद्रेक होता है जो हमारी प्राण शक्ति के भाव को सहज बना देता है। सौंदर्य से प्राप्त होने वाला ऐसा आनंद है जो किसी वस्तु की उपयोगिता, हमारी इच्छाओं को तुष्ट करने की क्षमता या बौद्धिक रुचि से भिन्न उसके भावन मात्र से प्राप्त होता है। यानी कि सौंदर्य से प्राप्त होने वाला आनंद एक ऐसा आनंद है जो उस वस्तु की उपयोगिता, उसकी इच्छाओं को तुष्ट करता है और उसका हम जो भावन करते हैं उसी से हमारे अंतर्गत एक रुचि उत्पन्न हो जाती है। वर्नन ली ने अपने जो विचार हैं वो समानुभूति के आधार पर व्यक्त किए। समानुभूति जो शब्द है उसमें कलाकार ने जो अपनी कृति बनाई है दर्शक भी उसके अंतर्गत वैसी ही अनुभूति करता है जैसी कि कलाकार ने की है, तो उसे समानुभूति के अंतर्गत रखा है। इसी प्रकार की व्याख्या हम भारतीय सिद्धांत में भी करते हैं और अरस्तु का जो भाव विरेचन का सिद्धांत है उसमें भी करते हैं, जिसमें दर्शक जो है वो अपने आप को उस मूल पात्र से संबंधित मानकर एक आनंद की अनुभूति करता है। इस प्रकार वर्णन ली ने अपने जो विचार व्यक्त किए वो समानुभूति के आधार पर किए। समानुभूति के प्रश्न पर विचार करते हुए उन्होंने बताया कि जब हम किसी आकृति को देखते हैं उस समय हमारे अपने आंतरिक भाव को उस आकृति विशेष में प्रक्षेपित कर देते हैं और यही समानुभूति है। यानी कि दर्शक के अंतर्गत भी वही भाव जागृत हो जाता है जिस भाव से कलाकार ने उस कलाकृति का निर्माण किया है, यही समानुभूति है। दर्शक अपने निजी भावों की अनुभूति करता है, आकृति तो उसका मात्र माध्यम है। समानुभूति की अवस्था मननात्मक अवस्था का परिणाम है और यह हमारे मानसिक जीवन में विद्यमान रहता है। समानुभूति की क्रिया सरल होते हुए भी पूर्णतः प्राथमिक क्रियाओं से दूर की अवस्था है। यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें कल्पना, सहानुभूति, अंदर अनुभूति के अनुमान विद्यमान रहते हैं। वर्णन ली के अनुसार समानुभूति का संबंध हमारी मनः स्थिति और हमारे संवेगों से न होकर उसके गत्यात्मक अवस्थाओं से होता है। समानुभूति में कल्पना तथा संवेग दोनों आवश्यक तत्व हैं। समानुभूति के सिद्धांत में वर्णन ली ने व्यक्ति की भावना को महत्व दिया है। वो कहते हैं कि सौंदर्य जो है वो व्यक्तिनिष्ठ है, अर्थात हर व्यक्ति की अपनी एक अलग अनुभूति होती है
और जो कृति जो देखकर उसे आनंद प्राप्त हो रहा है वो भी सबका अपना अलग अलग होता है। इस प्रकार वो सौंदर्य को व्यक्तिनिष्ठ मानते हैं। अनुभूति वस्तुतः व्यक्तिनिष्ठ ही होती है, पर वस्तु की भी अपनी सत्ता होती है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्णनली ने कलागत भाव को महत्व न प्रदान करके भावगत भाव को महत्वता दी है। इस प्रकार वर्णनली जो है उन्होंने अपने सौंदर्य संबंधी विचार प्रकट किए, जिसमें उन्होंने समानुभूति को विशेष महत्व दिया और इसके साथ साथ ही उन्होंने भावन मात्र को ही आनंद का कारण माना और इसीलिए उनके सौंदर्य संबंधी विचार जो हैं वो समानुभूति और व्यक्तिनिष्ठ एवं संवेदनाओं पर आधारित हैं। इन्होंने ये विचार अपनी पुस्तक द ब्यूटीफुल में किए हैं। थैंक यू।